गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एच जी एम ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 2.2, नेचर क्रिएटेड मैन एंड वुमन एज इक्वल्स। दिस इज वेरी नाइस लेसन। दिस लेसन गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्क्रिमिनेशन इन आर सोसाइटी बिटवीन मैन एंड वुमन एंड ऑल्सो टीचर्स वी शुडंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन man and woman. So let's start the lesson. The house and its surroundings are a site of peace in the early morning of April. इस paragraph में एक house के बारे में description दिया जा रहा है, उसके area के बारे में बताया जा रहा है। एक घर है, April महीना है, April महीने का सुबह सुबह का वक्त है। उस वक्त में उस घर का एरिया बहुत ही शांत दिखाई देता है। इट नेस्टल्स बाय द साइड ऑफ अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ क्रिस्टल क्लियर वाटर। नेस्टल्स मीन्स इज क्लोज टू। उस घर को लगकर ही, उस घर के पास से ही एक झरना बहता है जिसका पानी बहुत ही साफ सुथरा है। द स्ट्रीम टम्बल्स डाउन द ग्रीन माउंटेन्स ओनली 2 miles और सो अवे। जो झरना उस घर के पास से बह रहा है, वह झरना उस घर से 2 miles की दूरी पर एक माउंटेन है, वहाँ से बहते हुए आ रहा है। देयर इज अ स्ट्रेच ऑफ 100 acres ऑफ फर्टाइल लैंड रोलिंग विथ येलो मस्टर्ड फ्लावर्स बिटवीन द माउंटेन रेंज एंड द हाउस। उस घर और उस माउंटेन के बीच में 100 acres की जमीन फैली हुई है जो कि फर्टाइल है, और वहाँ पर यह मस्टर्ड दैट मीन्स सरसों की खेती की जा रही है, इसलिए वहाँ पर येलो फ्लावर्स दिखाई दे रहे। उस घर से लेकर तो उस माउंटेन तक बस येलो फ्लावर्स दिखाई दे रहे। अ गार्डन इज इन द फ्रंट ऑफ द हाउस। उस घर के सामने में गार्डन भी है। ट्रीज ऑफ मेनी काइंड्स बियरिंग फ्लावर्स ऑफ वेरियस यूज एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ऑल साइड्स ऑफ द हाउस। उस घर के आसपास में, उसके घर के सामने में एक गार्डन है। उसी गार्डन में बहुत तरह के ट्रीज लगाए गए हैं, झाड़ लगाए गए हैं। कुछ झाड़ों को बहुत अच्छे फ्लावर्स भी आए, अलग कलर्स के भी फ्लावर्स आ चुके हैं। और उस पेड़ों को फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। फ्रूट्स ग्रो ऑन ऑल साइड्स ऑफ द हाउस। उस घर के चारों तरफ ट्रीज लगे हुए हैं और उस ट्रीज में किसी ट्रीज को बहुत कलर, अलग अलग तरह के फ्लावर्स लगे हुए, कुछ ट्रीज को फ्रूट्स भी लग चुके हैं। तो यहाँ पर बस आपको इमेजिनेशन करना है कि वह एक सिंगल हाउस है, उस हाउस के पीछे में थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर 2 miles का इमेजिन करना है कि एक पहाड़ है, वहाँ से झरना बह रहा है। उस घर, वो झरना बहते हुए घर के बाजू से बह रहा है। बीच में पूरी मस्टर्ड की खेती की जा रही है, इसलिए येलो कलर के फ्लावर्स ही आपको दिखाई दे रहे और एरिया एकदम शांत दिखाई दे रहा है। ऐसा इमेजिनेशन आपको करना है। द कोर्ट यार्ड स्मेल्स ऑफ जैस्मिन विच ब्लूम्स इन बंचेस ऑफ वाइट पर्ल्स। कोर्ट यार्ड घर के सामने जो जगह होती है, उस घर के सामने में जो आंगन है, वहाँ पर जैस्मिन के फ्लावर्स लगे हुए, और उस जैस्मिन का जो स्मेल है वो वहाँ पर फैला हुआ है। द फ्रैग्रेंस मिंगल्स विद द थिन स्मोक दैट राइजेज फ्रॉम स्वीट स्मेलिंग इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक्स मीन्स अगरबत्ती। द बर्निंग इंसेंस स्टिक्स आर ग्लोइंग एट द अल्टर ऑफ गॉड इन द मिडल ऑफ द कोर्टयार्ड। जैस्मिन की खुशबू फैली हुई है और वह जैस्मिन की खुशबू उस कोर्ट यार्ड के बिल्कुल बीच में गॉड के लिए, गॉड से प्रार्थना करने के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए एक अगरबत्ती लगाई गई है, इंसेंस स्टिक, और उस अगरबत्ती से धुआं उठ रहा है और उस धुएं से भी वो भी अगरबत्ती सुगंधित है, और जैस्मिन की सुगंध और उस अगरबत्ती से निकलने वाली सुगंध दोनों मिक्स होकर एक अलग ही फ्रैग्रेंस दे रही है। अशांग बी
इज इन हर रीडिंग रूम, एक कैरेक्टर है। अब ये स्टोरी शुरू हो रही है यहाँ से। अभी तो यहाँ पर घर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, उसके सराउंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अब हम उस घर में कितने लोग रह रहे हैं और वो लोग क्या क्या करते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अशांग बी इज इन हर रीडिंग रूम एंड इज बिजी राइटिंग एन आर्टिकल। जो घर का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसी घर में अशांग बी नाम की एक महिला है जो अपने रीडिंग रूम में है एंड बिजी इन राइटिंग एन आर्टिकल। वह एक बिजी है, वो कुछ आर्टिकल वहाँ पर लिख रही है उस रूम में बैठकर। शी इज अ मिडल एज्ड मदर ऑफ 3 children। वह महिला 3 बच्चों की मदर है। नियर अबाउट मिडल एज, दैट मीन्स नियर अबाउट 40 to 50 years एंड जर्नलिस्ट। वो प्रोफेशन से एक जर्नलिस्ट है, पत्रकार है एंड वुमन्स राइट्स एक्टिविस्ट। और वो हमेशा महिलाओं के हक के लिए लड़ने वाली महिला है। लैंथोई हर यंगेस्ट डॉटर, उसकी जो सबसे यंगेस्ट डॉटर है, दैट मीन्स छोटी डॉटर लैंथोई एंटर द रूम। वह जब उनकी जब उसकी माँ मदर अशांग भी रीडिंग रूम में कुछ काम कर रही है, वो एक आर्टिकल लिख रही है, उसी समय वह लैंथोई नाम की उसकी लड़की उस रूम में एंटर करती है। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, बहुत ही इंटेलिजेंट है। टुडे शी लुक्स थॉटफुल एंड शी टेक्स अ सीट बाय हर मदर साइड। आज वो बहुत ही कुछ विचारों में खोई हुई दिख रही है और वह रूम में आने के बाद अपने एक मदर के बाजू की जो चेयर है वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। एट द साइट ऑफ हर चाइल्ड अशांग भी लविंगली आस, वो बहुत चेहरे से ही आज कुछ सोचते हुए दिख रही है। तो यह बात उसके माँ को पता चल गई कि आज मेरी यह बेटी बहुत कुछ अंदर के अंदर सोच रही है। तो उसने बहुत ही प्यार से अपने बच्चे से पूछा, हैव यू फिनिश्ड योर स्टडी माई डियर, क्या आपने अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली है। यस मदर आई फिनिश्ड इट लास्ट नाइट, हाँ मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली है, मैंने तो अपनी पढ़ाई पिछले ही रात को मैंने ख़त्म कर ली है। टुडे बीइंग संडे, आज संडे है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग, आज संडे होने की वजह से मैं कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहती हूँ। लैंथोई सेज एंड वेट्स फॉर हर मदर्स रिस्पॉन्स, और लैंथोई ने कह तो डाला कि मुझे आज संडे है और मुझे आज कुछ इंटरेस्टिंग करना है, और वो अपने मदर के रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रही है। टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, अशांग भी आस्क हर क्वाइट अम्यूज्ड। बाद में उस लैंथोई के मदर ने उससे पूछा कि बताओ कि आप क्या करना चाहती हो। मदर टुमारो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द सिरोई लिली हाउस एज अ स्पीकर इन अ सिंपोजियम एट आर स्कूल। सिंपोजियम दैट मीन्स अ मीटिंग एट विच एक्सपर्ट्स हैव डिस्कशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सिंपोजियम में क्या होता है कि कोई एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक के ऊपर एक्सपर्ट्स लोग कुछ डिस्कस करते, एक ही टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाता है। जस्ट लाइक स्पीच कंपटीशन में भी हम एक टॉपिक दे देते हैं, उसके ऊपर अलग अलग कैंडिडेट अपने व्यूज रखते हैं। तो यहाँ पर सिंपोजियम मीन्स वही है कि एक स्पीच कंपटीशन है और उसमें एक्सपर्ट्स अपने कुछ व्यूज रखेंगे। तो वह बोलती है कि मुझे कल अपने स्कूल में जाना है, मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, स्कूल को दैट मीन्स अपने स्कूल के सिरी लिली हाउस। हमारे स्कूल में भी हाउसेस होते हैं, तो उसमें से भी उनके हाउस का नाम है सिरोई लिली हाउस। तो उस हाउस को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ और एज ए रिप्रेजेंटेटिव मैंने भी उस स्पीच कंपटीशन में, उस सिंपोजियम में पार्टिसिपेट किया है और मुझे भी उसमें कुछ बोलना है। द टॉपिक इज गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल्स, और उस सिंपोजियम का टॉपिक है, द टॉपिक इज गॉड क्रिएटेड
मेन एंड वीमेन एज इक्वल्स। विल यू स्पेयर सम टाइम टू हैव डिस्कशन विथ मी? लैंथोई प्रेसेस ऑन हर मदर। तो अपने मदर को बोलती है, क्या तुम मुझे कुछ वक्त दे सकती हो ताकि हम इस टॉपिक के ऊपर कुछ डिस्कस कर सके, क्योंकि कल मुझे इसी टॉपिक के ऊपर कुछ बोलना है स्कूल में। टॉपिक इज गॉड क्रिएटेड मेन एंड वुमेन एज इक्वल्स। लैंथोई हैड जस्ट हैड डिस्कशन विथ हर फादर ऑन द टॉपिक। जब वो हम अपने मदर के पास आई इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, तो उसके पहले वो अपने पापा के साथ में उस टॉपिक के ऊपर वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी। टोम्बा, हर फादर इज़ अ हजबेंड सपोर्टिव ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ हिज वाइफ एंड अ लविंग फादर। टोम्बा, हर फादर, दैट मीन्स लैंथोइज फादर, इज अ हजबेंड सपोर्टिव ऑफ एक्टिविटीज ऑफ हिज वाइफ एंड लविंग फादर। टोम्बा ये जो पर्सन था लैंथोई के फादर, जो एक सपोर्टिव हजबेंड थे, अपने वाइफ के हर काम को वो सपोर्ट करते थे, एंड लविंग फादर, और बहुत ही अच्छे भी फादर थे, प्यार करने वाले फादर थे। ही इज अ लॉयर बाय प्रोफेशन, ही इज लॉयर, वकील थे, एंड सोशल वर्कर, साथ में वो समाज सेवा भी करते थे, इसलिए यहाँ पर लिखा है सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता। हु एडवोकेट्स द कॉज ऑफ वुमन। अब वकील होने के कारण या समाज सेवक होने के कारण जो भी वुमन्स के ऊपर अन्याय अत्याचार होते थे उसके खिलाफ वह लड़ा करते। ही इज ऑलवेज प्राउड ऑफ हिज वाइफ द टू डॉटर्स एंड द सन। उन्हें अपने बच्चों के ऊपर भी गर्व था और अपने वाइफ के ऊपर भी गर्व था। इन टाइम्स ऑफ नीड ही एक्सटेंड्स हिज हेल्पिंग हैंड टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड टू द सोसाइटी एट लार्ज। जब जब उनकी उनके बच्चों को मदद की ज़रूरत पड़ती, उनके वाइफ को उनकी मदद की ज़रूरत पड़ती या सोसाइटी को मदद की ज़रूरत पड़ती, तो वह हमेशा अपना मदद का हाथ सभी के सामने फैलाते, सभी को मदद करते, वाइफ को भी मदद करते, बच्चों को भी मदद करते और सोसाइटी को भी वह मदद करते। ही डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट मीन्स ट्रीट वन पर्सन और ग्रुप बेटर और वर्स देन अनदर इन एन अनफेयर वे। भेदभाव करना। ही डजंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ मैंस वर्क एंड वुमन्स वर्क एनीवेयर। वो इस चीज़ में कभी भेदभाव नहीं करते थे कि यह मैन का काम है तो मैन ने ही करना चाहिए, पुरुष का काम है तो पुरुष ने ही करना चाहिए, वुमन्स का काम है तो वुमन्स ने ही करना चाहिए, ऐसा वो डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं किया करते, भेदभाव नहीं किया करते। ही शेयर्स इक्वली विथ हिज वाइफ इन डूइंग द हस्बैंड कोर्स लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड फीडिंग द चिल्ड्रन। हमने देखा है कि जनरली घर के साफ सफाई की जो भी काम है, कपड़े धोना हो गया, खाना बनाना हो गया, बर्तन धोना हो गया, बहुत सारे काम है, ये जनरली हमारी मदर ही करती है। लेकिन उनके जो फादर थे लैंथोई के टोम्बा, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे, ऐसा भेदभाव कभी नहीं करते थे कि यह वुमन्स का ही काम है, यह मैंस का ही काम है। तो वह जो घर के काम होते उसमें वह अपने वाइफ को पूरी तरह से मदद करते थे, जैसे कि साफ़ सफाई करना, वॉशिंग, कुकिंग, बच्चों को खाना खिलाना, फीडिंग द चिल्ड्रन, ये सभी काम में वो अपने मिसेस को मदद करते। हैड ही नॉट शेयर्ड इन दिस एक्टिविटीज़ इन द वे ही डज, हिज वाइफ वुड नॉट हैव बीन अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल। यदि उन्होंने अपने मिसेस को इस तरह मदद नहीं किया होता, सपोर्ट नहीं किया होता, तो आज उनकी मिसेस, उनकी वाइफ अपने प्रोफेशन में सक्सेस नहीं हो पाती। ही होल हार्टेडली बिलीव्स
इनइक्वालिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ क्लास रिलीजन एंड जेंडर। वह दिल से किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानते थे, क्लास दैट मीन्स अमीर गरीब, ऐसा भेदभाव वह नहीं करते थे। उनका विश्वास था कि सभी एक ही है। रिलीजन के आधार पे वो भेदभाव नहीं मानते थे। एंड जेंडर, स्त्री है पुरुष है, स्त्री को कम महत्व देना, पुरुषों को ज़्यादा महत्व देना, ऐसा भी वह नहीं मानते थे। वह समझते थे कि हर कोई समान है, अमीर गरीब सभी इंसान समान है, सभी धर्म के लोग समान है, एंड स्त्री पुरुष ये भी समान है, ऐसा उनका मानना था, ऐसा विश्वास था। इन हिज डिस्कशन विथ हिज डॉटर ही लैमेंट्स, लैमेंट्स मीन्स एक्सप्रेस ग्रीफ और सॉरो, दुख व्यक्त करना। इन हिज डिस्कशन विथ हिज डॉटर, जब वह अपने डॉटर के साथ में उन्होंने डिस्कस किया था, उनकी जो बच्ची थी लैंथोई, उनको सिंपोजियम में जिस टॉपिक के ऊपर भाषण देना था, उस टॉपिक के ऊपर जब डिस्कस कर रहे थे, तब उन्होंने एक दुख व्यक्त किया। ही लैमेंट्स ओवर द ग्रेट इनजस्टिस डन ऑन वुमन इन द सोसाइटी, टेलिंग हर, उन्होंने बताया अपने बच्ची को, लैंथोई को बताया कि आज भी हमारे समाज में महिलाओं के साथ में बहुत ही नाइंसाफी होती है। माय डियर चाइल्ड, द वर्ल्ड इज स्टिल फुल ऑफ इनइक्वालिटीज, उन्होंने लैंथोई को बताया कि आज भी इस समाज में, इस दुनिया में इनइक्वालिटीज है, यानी बहुत सारा फर्क किया जाता है जाति के ऊपर से, क्लास के ऊपर से, जेंडर के ऊपर से, दैट मीन्स असमानता आज भी हमारे समाज में दिखाई देती है। वी हैव टू फाइंड अ वे टू ब्रिंग इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमन, जो आज हमारे समाज में असमानता इनइक्वालिटीज दिखाई देती है मैन और वुमन के बीच में, तो इसे दूर करने के लिए हमें ऐसा रास्ता खोजना पड़ेगा कि जिससे हम मैन एंड वुमेन के बीच में हम इक्वालिटी ला सके। सो टुडे वी हैव स्टॉप हियर एंड वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।